हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, कुछ महीनों पहले ही इंडियन नेवी ने अपने इंडिजिनस INS विक्रांत के लिए कुछ कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी थी। ये रिपोर्ट खास तौर पर उन फाइटर जेट के लिए थे जिन्हें इंडियन नेवी खरीदना चाहती थी ताकि वो INS विक्रांत पर ऑपरेट कर सके। INS विक्रांत के लिए दो सबसे बड़े दावेदार माने गए थे, एक था फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन का राफेल M और दूसरा अमेरिकन बोइंग कंपनी का FA-13 सुपर हॉर्नेट। पर इस रिपोर्ट का क्या हुआ और कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट INS विक्रांत के लिए सूटेबल है वो हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। अगर हम इस डील की बात करें तो इसे लेकर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये बताया था कि राफेल M और सुपर हॉर्नेट के अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं और दोनों ही सिमिलर स्टैंडर्ड्स फुलफिल करते हैं। पर यहाँ सवाल ये है कि कहाँ से इंडिया को बेटर डील मिल सकती है। चांसेस तो यही बताए जा रहे हैं कि इस बार भी इंडियन नेवी को राफेल मिलेगा, क्योंकि जब 2015 में नरेंद्र मोदी अपने पेरिस विजिट पर थे तब उन्होंने 36 फ्रेंच एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट को अनाउंस किया था। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का अनाउंसमेंट सभी के लिए सरप्राइज था और इसके पीछे का रीजन ये था कि इंडियन एयरफोर्स के पास अपनी फाइटर स्क्वाड्रन का काफी ज्यादा शॉर्टेज हो गया था और रशियन फाइटर जेट जैसे कि Sukhoi-30M के आए और MiG-29 की सर्विसेबिलिटी के कई इश्यूज आ रहे थे। इसी को लेकर अगर हम रिसेंट की बात करें तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से नरेंद्र मोदी को पेरिस के 14 जुलाई परेड में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इनवाइट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये विजिट 2015 की कुछ मेमोरीज को लेकर आएगी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने यूनानिमसली इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट को अनाउंस किया था और अपने एयरफोर्स के लिए राफेल फाइटर जेट को खरीदा था। अगर हम आज की बात करें तो इंडियन नेवी को अपने INS विक्रांत के लिए 26 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट की जरूरत है। हालांकि पब्लिक सेक्टर एविएशन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नेवल वर्जन डिजाइन और डेवलप किया है, पर इंडियन नेवी को फाइटर जेट से भी ज्यादा की जरूरत है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और इस एक्सेप्टेंस के साथ ये भी माना जा रहा है कि इंडिया एक बार फिर से सभी फाइटर जेट को छोड़कर राफेल पर ही भरोसा करेगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्रांस से इंडिया को एक बेटर डील मिल जाए। इस बारे में आपको क्या लगता है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।